दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरी प्यारी प्यारी माता और बहनों को आज होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये दिन बना रहे, कोई भी माँ इस दिन से वंचित ना रहे, सभी के जीवन में ये दिन बना रहे और उनके बच्चों की उम्र बहुत लंबी करे, उनके जीवन में उनकी उन्नति दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। आज आगे की वीडियो में आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ये रख रखी है माता रानी की फोटो, ये है कमोई, ये शिव माता की माला है जो हमारे यहाँ पर रहती है, ये लोटा, ये सेब रख रखी है मैंने, ये सासू माँ का सूट बांध रखा है, वहाँ मैंने कीड़े रख रखे हैं जो हमने या कमोई अरलोटा पर रखा ना। इसका पानी हम दिवाली के दिन यूज करते हैं, पोचा लगाते हैं उस दिन। सभी के घर में अलग अलग रिवाज होते हैं, क्योंकि गाँवों में तो है ना कमोई को ना पानी की नहीं भरते, अनाज की भरते हैं। सबके अलग अलग रिवाज होती हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ उबालना रख दिया है पूड़ो के लिए, क्योंकि जब रात को हम बुरी तारी लिखेंगे तब दोत मारेंगे और सासू माँ को ही पूड़े देंगे। और एक चीज़ और, मेरे बच्चों को खीर बहुत पसंद है, एक खीर और मैं ज़रूर बनाऊँगी। माँ ही शर्मा क्यों है, बोलो हेलो, बोलो हेलो। पूरी है ये मेरा लड़का, देखो एक, देखो एक गंज, देखो एक बार, एक दो देख, गिर जाता ना वे। अरे बोलो क्या कर रहे हो, बैठे हो बैठे हो। यहाँ पर मैं लगाई हूँ माता जी का भोग, मैंने यहाँ पर खीर और कूड़े उतार दिए हैं, मैंने ज्योत बत्ती लगा दी है, माता रानी को खिला रही हूँ मैं। अब यहाँ पर मेरा छोटा लड़का मेरी गुड़िया धोख मारने लग गई है माता रानी को, दोनों का भी मुद्दे पड़ रहे हैं। ऊपर आ गए हम बुरी तारी को पानी देने के लिए, अब मैं पानी दे रही हूँ माता को, पानी दे दिया है। यहीं तक था वीडियो, पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर से एक बार फिर से सभी माता और बहनों को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।